वेलकम बैक टू माई चैनल कंसेप्ट डिटेल आज हम अपनी नई प्ले लिस्ट स्टार्ट करेंगे फोता प्लस वन कॉमर्स आई होप जैसे आप को मेरी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की जो वीडियोस हैं अच्छी लगी हैं समझ लगी हैं वैसे ही आपको ये प्लस वन कॉमर्स की जो मैं नई प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रही हूँ वो भी आपको ऐसी ही अच्छी लगेगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी ठीक है तो बेसिकली मैं आ, आ, प्लस वन कॉमर्स के लिए आ, टी आर जैन की ये जो बुक है स्टेटिस्टिक्स फॉर द इकनॉमिक्स हम ये वाली स्टार्ट करेंगे देन इसकी जो है माइक्रो इकनॉमिक्स है जो प्लस वन को भी लगी है सी बी एस ई बेसिकली तो वो भी जो है हम कवर करेंगे हम अकाउंट्स भी कवर करेंगे हम बिजनेस स्टडी भी कवर करेंगे सो so दैट जो है प्लस वन कॉमर्स के लिए जो है पूरा मटेरियल जो है उनको एक ही जगह पर मिल जाए ठीक है इसके भी भाई बहन या फिर फ्रेंड्स जो कॉमर्स कर रहे हैं वो प्लीज़ एक दूसरे को ये वीडियो शेयर करना सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर That is concept of economics and significance of statistics in economics. Economics में statistics का क्या role है क्या significance है ठीक है सबसे पहले हमने पढ़ना है what is economics ठीक है? है economics क्या है economics का क्या concept है ठीक है सो बेसिकली इंट्रोडक्शन उन्हें लिखा है कहते कि मतलब इकोनॉमिक्स एक इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है मतलब सभी के लिए जिससे नेसेसरी नहीं है कि सिर्फ जो बड़े हैं उन्हीं के लिए उन वही जो है इकोनॉमिक्स के एक्टिविटी में जो है अपना एक रोल प्ले करते हैं नहीं कहते एक चाइल्ड से लेके एक बड़े ओल्ड मैन तक जो है सभी लोग क्या करते हैं इकनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज होते ही होते हैं ठीक है कंजम्पन जो है कहते एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है किसकी इकनो इकनॉमिक नौ, की ठीक है कहते इकोनॉमिक एक्टिविटी एक्टिविटी में से अगर हम बात करें तो जो कंजम्पशन है वो बड़ी है ही तो वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट जो है एक्टिविटी है ठीक है हम वो बोलते हैं वो हम सभी कंज्यूमर हैं वी ऑल आर कंज्यूमर्स ठीक है तो हम कुछ ना कुछ कंज्यूम करते ही हैं ताकि जो है हमारी जो सेटिस्फैक्शन है ताकि जो हमारी वॉन्ट्स हैं ठीक है जो ताकि जो हमारी वॉन्ट्स है हमें उसकी सेटिस्फैक्शन मिल सके ठीक है हमारी वॉन्ट्स को सेटिस्फैक्शन मिल सके देन हु इज़ कंज्यूमर तो कंज्यूमर कौन होते हैं ठीक है कंज्यूमर वो होते हैं ठीक है हु कंज्यूम्स जो कि कंज्यूम करते हैं डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज ठीक है सर्विसेज मींस जो हम जैसे एक लेबर जो है किसी के लिए काम कर रहा है तो वो एक अपने अपनी सर्विसेज दे रहा है किसी को है ना ठीक है तो जब हम कहते हैं जो भी हम कंज्यूम करते हैं चाहे वो गुड्स हैं चाहे वो सर्विसेज हैं अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए अपनी वॉन्ट्स के सेटिस्फैक्शन के लिए वो होते हैं कंज्यूमर ठीक है वो वो होते हैं कंज्यूमर जो क्या करते हैं कंज्यूम गुड्स फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ यर वॉन्ट्स ठीक है अपनी वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जब वो चीज़ें कंज्यूम करते हैं तो उन्हें हम कंज्यूमर बोल देते हैं ठीक है देन कंज्यूमर से ही हम हम करेंगे वॉट इज कंजम्पशन तो कंजम्पशन क्या होती है तो कहते हैं कंजम्पशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसको यूज़ कर कर हम 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 यूटिलिटी वैल्यू ऑफ द गुड्स यूटिलिटी वैल्यू मतलब होता है गुड्स का कि वो गुड्स की यूटिलिटी वैल्यू कितनी है उसकी यूसेज वैल्यू कितनी है वो कितनी हमें मतलब उसको यूज करके हमें कितनी वैल्यू मिल रही है ठीक है उसे हम बोलते हैं यूटिलिटी वैल्यू ठीक है value, तो तो कहते हैं कंजम्पन एक ऐसा प्रोसेस होता है ठीक है जिस जिस गुड्स एंड सब्जी की यूटिलिटी वैल्यू को हम यूज़ कर कर अपनी जो आ, अपनी जो वॉन्ट्स हैं उसको डायरेक्ट सेटिस्फाई करते हैं ठीक है वैल्यू ऑफ़ गुड्स मींस इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ गुड्स ठीक है जैसे मुन्नी बोला उसकी कैपेसिटी कितनी है ठीक है तो कहते हैं यूटिलिटी वैल्यू क्या होती है गुड्स की इनहेरेंट कैपेसिटी होती है कि वो हमें कितनी कैपेसिटी देगी ठीक है गुड्स एंड सब्जी की जिसको हम जो है ह्यूमन जो है अपनी वॉन्ट्स को सेटिस्फाई कर सके ठीक है देन है अब कन, हमने कंज्यूमर कर लिया प्रोडक्शन कर लिया कंजम्पशन कर लिया अब हम करेंगे प्रोडक्शन ठीक है कहते प्रोडक्शन भी जो है एक अलग इकोनॉमिक uh, एक्टिविटी है एक और इकोनॉमिक एक्टिविटी है ठीक है एंड मैन्यू ऑफ अस आर प्रोड्यूसर और हम काफी हम में से काफ़ी लोग प्रोड्यूसर भी होते हैं जो क्या करते हैं प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट गुड्स करते हैं फॉर द जनरेशन ऑफ इनकम इनकम को जनरेट करने के लिए कंज्यूमर करते, है, uh, करते हैं कंज्यूमर चीज़ें कंज्यूम करते हैं फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर वस ठीक है और जो प्रोड्यूसर हैं वो प्रोड्यूस करते हैं गुड्स फॉर द जनरेशन ऑफ इनकम क्योंकि उन्होंने प्रोड्यूस करके उनके पास इनकम आएगी ठीक है इनकम आएगी तो इससे क्या होगा उनकी जो इनकम है वो जनरेट हो रही है है ना देक्स नेक्स्ट है व्हाट इज़ हु इज़ प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर कौन होता है ठीक है कहते प्रोड्यूसर वो होता है जो गुड्स या सर्विस जो गुड्स और सर्विसेज को बेच कर ठीक है हु प्रोड्यूस जो गुड्स को बेचता भी है और गुड्स को प्रोड्यूस भी करता है ठीक है फॉर द जनरेशन ऑफ इनकम इनकम को जनरेट करने के लिए ठीक है देन फिर फिर से हम करेंगे वॉट इज़ प्रोडक्शन तो प्रोडक्शन क्या होती है अगर प्रोड्यूसर ये होता है तो फिर प्रोडक्शन क्या होती है ठीक है तो कहते हैं प्रोडक्शन एक वैसा प्रोसेस है ठीक है जिसमें हम क्या करते हैं रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं इनटू यूजफुल थिंग्स ठीक है things, जब हम किसी भी रॉ मटेरियल को उसको अच्छे से मतलब इंडस्ट्री में लेके जाके उसको अच्छे से जो है हम फिनिश्ड गुड बना देते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कॉटन लेके आए कॉटन से अब हमने पूरा जो है कॉटन जो है कॉटन जो है हमारा एक रॉ मटेरियल है ठीक है कॉटन को हमने पूरा अच्छे से कन्वर्ट करके क्लॉथ बना दिया तो उसे हमने फिनिश्ड गुड बना दी तो यही काम कौन करता है प्रोड्यूसर करते हैं ठीक है प्रोड्यूसर करते हैं कौन करते हैं प्रोड्यूसर करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ठीक है दिस बिकम यूजफुल एज द एक्वायर यूटिलिटी वैल्यू तो कहते हैं यूजफुल हो जाता है क्योंकि अब इसकी एक यूटिलिटी वैल्यू बन गई अब इसको यूज यूज़ करने के लिए इसकी एक वैल्यू बन गई है ठीक है क्योंकि अब इसको यूटिलिटी वैल्यू इसकी बन गई है किससे बनी इसकी यूटिलिटी वैल्यू थ्रो द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन 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 से जो है एक हमारे यूज करने के टाइप जो है ये हमने जो है एक सामान बना दिया है ना अब कॉटन को हम कैसे कॉटन को हम सीधा कॉटन से हम सीधा क्लॉथ थोड़ी बना सकते हैं है ना, तो हम कॉटन से क्या अब कॉटन से जो है अब हमारी यूजफुल थिंग बन गई वो तो उसकी यूटिलिटी वैल्यू अब जनरेट हुई है तो किसके वजह से जनरेट हुई है यूटिलिटी वैल्यू प्रोडक्शन की वजह से जो है वो जनरेट हुई है ठीक है नेक्स्ट है अब सेविंग और इन्वेस्टमेंट से कह रहे सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी जो एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ होती हैं किसकी इकोनॉमिक्स की ठीक है तो सेविंग क्या होता है सेविंग होता है कहते हैं जो एक ह्यूमन बींग है वो अपनी सारी की सारी इनकम जो है सेव नहीं मतलब अपनी सारी जो सारी इनकम है वो सारी की सारी इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं लगा देता है ठीक है उसको खर्च नहीं देता वो सारी की सारी इनकम को कहते वो कुछ पार्ट ऑफ द इनकम है जो फ्यूचर के लिए बचा के रखता है ठीक है सो so दैट अगर उसको कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए तो वो उसको सेविंग्स को यूज़ कर ले ठीक है तो वो कहते हैं अपने हर एक पार्ट को जो है वो बचा के रखता है अपनी सेविंग के पार्ट को ठीक है नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट इट इज़ इट इज़ एक्सपेंडिचर तो कहते हैं ये एक ऐसा तरह का एक्सपेंडिचर होता है जो कि एक प्रोड्यूसर जो है बाय द प्रोड्यूसर ठीक है जो क्या करता है ऐसी चीज़ों को परचेज़ करता है जो कि उसको हेल्प दे ठीक है जनरे मतलब इनकम जो है जनरेट करने के लिए फॉर एग्जांपल अब मेरे समझो मेरी ना थाउजेंड एग्जाम थाउजेंड जो मेरी इनकम है थाउजेंड का मैंने कुछ पार्ट जो है वो मैंने सेव कर लिया है ना फाइव मैंने सेव कर लिया तो मैंने सोचा क्यों ना uh, मेरा तो टू का एक्सपेंडिचर है तो मैं टू क्यों ना करूँ किसी चीज़ पर इन्वेस्ट कर देती हूँ क्यों ना मैं अगर मैंने फॉर एक्जाम्पल टू का मैंने घर खरीद लिया एक है ना तो घर खरीद कर जो है टू हंड्रेड कल को क्या करेगा और इसकी वैल्यू बढ़ेगी घर की है ना तो एक तरह की मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी कि अब मुझे इससे दुगना पैसा वापस मिलेगा कम नहीं मिलेगा दुगना ही वापस मिलेगा तो मैं अगर कोई मशीन खरीद लेती हूँ अपने अपने बिज़नेस के लिए है ना ताकि मेरा बिज़नेस थोड़ा और एक्सपेंड हो जब मैं, अगर मैं दस चीज़ें बना रही थी अब मशीन लेने से मैं बीस बना रही हूँ तो ये मेरी जो क्या करेगी इनकम और जनरेट कर रही है ना तो एसेट्स वो होते हैं एंड उस उस पर जो मैं कुछ इन्वेस्ट कर रही हूँ ऐसा कुछ ले रही हूँ तो जो चीज़ मुझे फ़ायदा दे रही है मेरी इनकम और जनरेट कर रही है तो उसे हम बोलते हैं कि मैंने इस चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर ली ठीक है कहते इस तरह जो है कंज्यूमर प्रोड्यूसर सेवर इन्वेस्टर जो है कि हर एक तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो है इंगेज रहते ही रहते हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम क्या इंक्लूड होता है कंजम्पशन इन कंज्यूमर से कंजम्पशन इंक्लूड होती है प्रोड्यूसर से प्रोडक्शन इंक्रीज होती है सेवर से सेविंग इंक्रीज इंक्लूड होती है और इन्वेस्टर से इन्वेस्टमेंट इंक्लूड होती है एंड मैनी मोर मैनी मोर ठीक है नेक्स्ट स्टेप वट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है ठीक है तो कहते मेनली रिलेटेड होती है ऐसी मिल रहे हैं कि उसका जितना मर्जी यूज कर लो दोबारा से दोबारा जनरेट होते जाएंगे नहीं कहते एक ऐसी एक्टिविटी होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी जो किससे रिलेटेड किस होती है यूज ऑफ स्केयर है जो, जो कि काफी ज्यादा लिमिटेड है कहते कहते जो हमें हम अगर हम कुछ चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं। हम हमारा मन है हम जितनी मर्जी प्रोड्यूस कर ले पर जो प्रोड्यूस करने के लिए मीन्स होते हैं जैसे अब मेरी प्रोडक्शन मैंने कुछ प्रोड्यूस करना है मेरे लिए एक लैंड मेरे पास एक लैंड है वो लिमिटेड होगी है ना लैंड तो एक लिमिटेड होगी मेरे पास ठीक है ये तो नहीं मैं मेरी पूरी दुनिया की लैंड मेरी लिए नहीं मेरे पास एक लैंड लिमिटेड होगी मेरे पास पैसे मेरे पास पैसे जो है लिमिटेड होंगे मेरी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड होगी मेरे लिए मेरे पास लेबर लिमिटेड होंगे मेरे पास सारी चीज़ें मेरे जो प्रोडक्शन करने के मीन्स हैं वो सारे लिमिटेड हैं पर मैं जो चाहती हूँ मैं प्रोड्यूस करना मेरे तो ऐसे तो नहीं मैं सोचने नहीं पे मैं अपनी लिमिट लगा दूँ कि नहीं यहाँ मैं बस इतना ही प्रोड्यूस करूँगी मैं सोच तो मैं सोच लूँ कि मैं कितना प्रोड्यूस कर लूँ पर मेरे पास जो प्रोडक्शन करने के लिए मीन्स हैं वो लिमिटेड है ना तो वो बोल रहे हैं कहते जो मीन्स हैं वो ऑलवेज जो है स्केयर्स होते हैं इन रिलेशन टू आर वोट्स ठीक है जो हमारी है, हम, आ, जितनी हमारी वॉन्ट्स हैं हम जितनी हमारी वॉन्ट्स हैं उसके हिसाब से जो प्रोडक्शन करने के लिए ठीक है जो मीन्स हैं वो ऑलवेज क्या है स्केयर है जो कंज्यूम करने के लिए ऑलवेज़ कम है अभी कहते हैं वो आप इमेजिन करो अगर आप एक रिचेड रिचेस्ट पर्सन हो ठीक है बट अर्थ पर आप एक रिचेस्ट पर्सन हो बट फिर भी आप जो है अगर आप कुछ चाहते हो तो आपको ऑन द स्पॉट नहीं मिल सकता ठीक है अगर आप कुछ चाहते हो कि मुझे पूरा अर्थ मिल जाए या कुछ भी और चीज़ आप चाहते हो ऑन द स्पॉट कि मुझे मुझे, मुझे वो मिल जाए ठीक है तो आपको कहते हैं हर एक चीज़ नहीं मिल पाएगी ठीक है तो कहते हैं इसी से हम इसी से हमें पता लगता है कि इट एम्प्लाईज अस्यसिटी ऑफ स्केयर सिटी ऑफ़ यूर मीन्स रिसोर्सेज इन रिलेशन टू यूर वॉन्ट तो ऐसे इस तरह आप जो जाते हो उस पर जो है आपके जो मीन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्केयर्स हैं आपकी इच्छाओं के आगे जो है आपके जो मीन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है स्केयर है ठीक है अब आगे हम करेंगे स्केयर सिटी ऑफ आगे है, जो है स्क्योर सिटी इज द अंडर करंट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड देयर फॉर ऑफ इकोनॉमिक्स तो कहते हैं जो स्क्योर सिटी है वो एक एक बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है ठीक है कैसे कहते है, जो रिसोर्सेज हैं वो हमेशा जो है स्क्यस रहते हैं इन द रिस्पेक्ट ऑफ आर वो जितनी हमारी वोन्स है उस हिसाब से जो जो रिसोर्सेज हैं वो काफ़ी ज्यादा लिमिटेड हैं ठीक है और उसी रिसोर्सेज के काफ़ी ज्यादा ऑल्टरनेटिव यूज यूज़ भी हैं मतलब और यूज भी होते हैं एक ही चीज़ के होते ही होते हैं ठीक है उन्होंने एग्जाम्पल दे कहते हैं अगर आपके एक टेन रुपीज हैं आपकी पॉकेट में ठीक है आप चाहें तो आप उसको एक कॉफी के कप के लिए भी खर्च सकते हो और आप चाहो तो इसकी उसको एक कोल्ड ड्रिंक के लिए भी खर्च सकते हो है ना तो एक टेन हमें दिख रहे हैं ठीक है तो इसी तरह वो बोलना चाहते हैं कि आगे उन्होंने वेरियस एग्जाम्पल लिए हैं आपको एक अधिक एग्जाम्पल लिख लेना ठीक है तो इसी तरह वो बोलते हैं कि कहते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो कि जो हमारे पास लिमिटेड मीन्स हैं और एक तो हमारे पास लिमिटेड मीनस है और दूसरे उसके यूज़ भी हैं ठीक है तो एक तरह से ये हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है ठीक है स थ्री डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी तो वेरियस जो है थ्री डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स हैं किसके इकोनॉमिक एक्टिविटी के तो so, सबसे पहला है कंजम्पशन तो कंजम्पशन तो मैंने अब मैंने पीछे आपको पढ़ा दिया बस उसी को इन्होंने थोड़ा सा इलेबोरेट करके लिखा है कहते हैं कंजम्पशन हमें पता है कि किसके द्वारा होती है कंज्यूमर्स के द्वारा होती है ठीक है तो आप कंज्यूमर की थोड़ी सी डेफिनेशन भी इसमें लिख देना अगर आप चाहते हो कि थोड़ा ये लेंथी बन जाए पॉइंट है ना तो आप उसके बारे में आप लिख सकते हो थोड़ी सी उसकी एग्जाम्पल लिख के आप बता देना कि कंजम्पशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जैसे मैंने आपको पीछे पढ़ाया कि जिसकी वजह से क्या होता है हमारी यूटिलिटी ऑफ वैल्यू की जो हमें सेटिस्फैक्शन मिलती है ना वही ये वाला सारा जो है आप लिख देना पॉइंट कि कंजम्पशन यही वाला सबसे पहले तो अब तो आपने यही वाला इधर लिख के सबसे पहले यही वाला इधर लिख देना और फिर आपने बता देना कि कैसे जो है कंज्यूमर कंज्यूमर चाहता है तो कितना कुछ प्रोड्यूस कर सकता है कितना कुछ कंज्यूम्स कर सकता है बट उसके पास जो है लिमिटेड मीन्स होते हैं ठीक है उसके पास जो है वॉन्ट्स अनलिमिटेड होते हैं पर उसके मीन्स जो होते हैं बड़े लिमिटेड होते हैं उसके पास पैसा बड़ा कम लिमिटेड होता है पर उसको वो चाहता है अगर वो सारा कुछ ले ले, ले तो वो उसकी अनलिमिटेड नीड्स हैं है ना अब कहते हैं जब हम पूरे उनके जो मतलब क्या रिलेशनशिप है बिटवीन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड मतलब क्या रिलेशनशिप है ठीक है जब हम किसी भी चीज़ को खरीदते हैं ठीक है और या उसको बेचते हैं ठीक है तो क्या उसकी वॉन्ट्स होती हैं क्या उसको बिहेवियर होता है ठीक है जब हम उस सभी को जो है मतलब अब हम जब भी उसका बिहेवियर एक्सप्लेन करते हैं कंज्यूमर जब कुछ कंजम्शन करने जा रहा है तो उसका क्या बिहेवियर होता है उसको क्या मतलब दिमाग में चल रहा होता है उसके क्या इंटरेस्ट होते हैं ठीक है तो जब हम कहते हैं उसको पूरे सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स से एक्सप्लेन करते हैं तो हम है, उसको क्या कहते हैं कंजम्शन थ्योरी बोलते हैं ठीक है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा है बट आप अगर वही वाले डेफिनेशन वगैरह के थोड़ी बहुत लिख दो कि जो मैंने आपको बताया तो इट विल बी क्वाइट ईजी ठीक है नेक्स्ट है प्रोडक्शन तो प्रोडक्शन क्या होती है प्रोडक्शन कौन करता है प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कौन करता है प्रोड्यूसर करता है तो कहते हैं प्रोड्यूसर के पास जो है लिमिटेड मीन्स होते हैं बट उसके पास जो रेंज होती है वो वाइड रेंज होती है गुड्स एंड सर्विसज की जिससे उसने चूज करना होता है फॉर देयर फॉर्म्स एंड फैक्ट्री ठीक है तो उसको उसके अकॉर्डिंग चूज करना पड़ता है कि उसके पास कितने मीन्स हैं कितनी उसके पास लैंड है कितना पैसा है कि वो उसके अकॉर्डिंग ही प्रोड्यूस कर पाए ठीक है तो कहते इसके फिर आपने प्रोडक्शन की वो लिख देनी है डेफ़िनेशन की जब रॉ मटेरियल को हम फिनिश में कन्वर्ट करते हैं उसको प्रोडक्शन करते हैं प्रोडक्शन कहते हैं तो प्रोडक्शन करने से जो रो जो ये गुड्स हैं ठीक है उसको एक यूटिलिटी वैल्यू मिल जाती है ठीक है जिसकी वजह से जो है वो एक यूजेज लाइक हो जाती है ना तो उसको हम बोल देते हैं प्रोडक्शन तो आपने वो लाइन लिख देनी है ठीक है फिर आपने वही लिखते ना कि जब हम प्रोड्यूसर के क्या उसका रिलेशन है क्या उसका बिहेवियर है ठीक है जब उसको सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स में जो है उसमें पूरी उसकी रिलेशनशिप वगैरह बताते हैं ठीक है उसका बिहेवियर बताते हैं प्रोड्यूसर तो उसको हम क्या वो क्या डिसीजन लेता है जब वो produce, एक प्रोडक्शन करने लगा है वो क्या सोच रहा है क्या डिसीजन कैसे ले रहा है तो जब हम उसको एक्सप्लेन करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं वो कॉल इट प्रोडक्शन थ्योरी तो हम उसको सिर्फ प्रोडक्शन थ्योरी बोलते हैं जैसे हम उसको कंजम्पशन थ्योरी बोलते हैं ठीक है थीके? देन डिस्ट्रीब्यूशन में आपका आ जाएगा कि कैसे जो है अब अब, अब एक बिजनेस मैन एक ओनर है ठीक है वो उसको कुछ प्रॉफिट हुआ है उसको रेवेन्यू जनरेट उसने कोई रेवेन्यू जनरेट किया है ठीक है तो रेवेन्यू जनरेट करने में अब जो सारा पैसा है वो खुद तो ले नहीं लेगा है ना तो जब वो पैसा जो है सभी में डिस्ट्रीब्यूट करता है लेबर में ठीक है जो उसने रेंट लिया था रेंट रेंट वाले को रेंट दे दिया ठीक है लेबर्स को लेबर की वेजेस दे दी ठीक है अपना जो कुछ इन्वेस्टमेंट कर दी कुछ सेव कर दी ड्रब्यून ठीक है वैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बिटवीन दैट वेरियस फैक्टर्स ठीक है जो जो उसके फैक्टर्स थे ठीक है तो उसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है उसने वेजेस को दे दी एजेंट्स को दे दिया ठीक है कुछ और प्रोडक्शन के लिए पैसा खरीद लिया एसेट्स खरीद लिए इन्वेस्टमेंट कर दी तो उसको उसने क्या किया डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया ठीक है ठीक है जीडीपी के जो उसको ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिला उसने उसको जो है डिस्ट्रीब्यूट uh, कर दिया बिटवीन द वेरियस फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन वेरियस फैक्टर्स होते हैं लैंड लेबर कैपिटल और एंट्रप्रीनरशिप ठीक है बस इतना ही लिखना है ज्यादा नहीं अभी आगे है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स वो होती है ठीक है जो डील करती है किससे इकोनॉमिक इश्यूज़ और इकोनॉमिक प्रॉब्लम से ठीक है अभी आ, जैसे कि ये कुछ मतलब एक ही चीज़ को लेकर करेगी जैसे कोई फॉर्म हो गया सिंपल एक हाउस होल्ड हो गया सिंपल एक इंडस्ट्री होगी ठीक है बट जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो पूरे डील करती है इकोनॉमिक इशू से पूरी इकोनॉमिक से ठीक है एज अ होल पूरे एग्रीगेट से जो है वो डील करती है तो उसे हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स ठीक है इतना ही इसका जो मेन डिफरेंस है कि बस एक फॉर्म या एक लिमिटेड चीज़ से डील करेगी बट मैक्रो डील्स विद द एज अ होल सभी से डील करती है ठीक है सभी प्रॉब्लम से पूरी इकोनॉमिक प्रॉब्लम से अब हमारा मेन टॉपिक है व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स ठीक है तो बेसिकली स्टैटिस्टिक्स क्या होता है ठीक है कहते हैं स्टैटिस्टिक्स क्या होता है एक स्टैटिस्टिक्स क्या करता है स्टैटिस्टिक्स एक एक तरह का स्टोर होता है किसका क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन का स्टैटिस्टिक्स में सिर्फ हम क्वांटिटेटिव इन्फॉमेशन से रिलेटेड डील करते हैं जैसे क्वांटिटी न्यूमेरिकल वैल्यू से हम डील करते हैं इसमें कोई भी हम क्वालिटेटिव वैल्यू नहीं लेते जैसे ऑनेस्टी डिसऑनेस्टी टिकल लव हेट ऐसी फीलिंग्स वाली चीज़ें हम नहीं लेते कौन कितना टॉल है कौन कितना शॉर्ट है नहीं हमें एक न्यूमेरिकल फैक्ट चाहिए कि अगर इसकी हाइट इतनी है मतलब फोर्टी इसकी हाइट है दूसरे की हाइट फोटी फोर्टी फाइव ऐसे हमें एक न्यूमेरिकल डाटा चाहिए ना कि वो इतना टोल है वो लेस टोल है वो मोर टोल है ऐसे

सेटेसिक्स uh, दो तरह की होती है एक प्लूरल एक प्लूरल और सिंगुलर तो प्लूरल में क्या आता है ठीक है प्लूरल में क्या होता है क्या होता है कहते हैं प्लूरल में हम जो डील करते हैं एज अ पूरे पॉपुलेशन से डील करते हैं पूरी क्लास से डील करेंगे ठीक है पूरे वर्ल्ड से डील करेंगे एक स्टेट से दूसरे स्टेट एक कंट्री uh, से दूसरे कंट्री के साथ डील करेंगे उसे हम बोलते हैं कि हम एज अ प्लूरल सेंस स्टैटेसिक्स को यूज़ कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि अगर आप अगर आप देख रहे हो कि फाइव हंड्रेड मंथ पॉकेट अलायंस इज नॉट सेटेसिक्स कि अगर किसी की अगर राम की आराम को अगर फाइव पर मंथ जो है पॉकेट लॉइंस मिल रही है तो ये सेटिसिक्स नहीं है क्योंकि हम इसके ग्रुप्स के साथ डील नहीं कर रहे एग्रीगेट के साथ डील नहीं कर रहे अगर हम इसी तरह ये अगर हम ये एग्जाम्पल लें कि एवरेज पॉकेट मनी जो है सभी के स्टूडेंट्स की वो 500 हंड्रेड मतलब पूरे क्लास में जो हमने किसी की एवरेज निकाली को सारे एवरेज आ रही है कि टोटल जो है मेजोरिटी में जो है 500 जो, जो है एवरेज स्टूडेंट सभी की पॉकेट लॉइंस मिल ही मिल रही है तो इसे हम बोलेंगे स्टैटिस्टिक्स एज अ प्लूरल सेंस क्योंकि हम इससे एग्रीगेट के साथ डील कर रहे हैं ठीक है स्टेस्टिक्स एज ए सिंगुलर नाउ एज एगुलर नाउन में क्या होता है कि स्टैटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं कहते हैं एक ऐसी टेक्नीक होती है और एक ऐसा मैथड होता है जिसमें जिसमें हम क्या करते हैं पूरे डाटा को कलेक्ट करते हैं देन उसको हम क्लासीफाई करते हैं देन हम उसको प्रजेंट करते हैं देन उसको हम फिर एनालाइज करते हैं देन फिर हम उसको जाकर इंटरपटेट करते हैं जो भी हमें क्वांटिटिव डाटा दिया गया है कलेक्ट मतलब हम अच्छे से उसको कलेक्ट करते हैं देन उसको क्लासीफाई करते हैं एज दे एड जैसे अभी हमने एज भी लिखी है ग्रुप एज भी लिखी है वेट भी लिखा है ठीक है हा, हाँ है तो पूरी हाइट वाली को हम हाइट में क्लासीफाई करेंगे ठीक है वेट को वेट में क्लासीफाई करेंगे एज को एज में क्लासीफाई करेंगे तो उसे हम बोलते हैं क्लासीफिकेशन प्रेजेंट मतलब अब अब हम उसको टेबल्स वगैरह में या ग्राफ में प्रेजेंट करेंगे देन हम उसको एनालाइज करेंगे कि मतलब कैसा डाटा है क्या मतलब ज़्यादा जा, लोग मतलब बढ़ रहे हैं कि एज उनकी बढ़ रही है कि कम वाले वेट उनका बढ़ रहा है कि ज़्यादा नीचे वाले वेट वाले हैं तो उसको एनालाइज़ करेंगे कैसा डाटा है देन हम उसको इंटरप्रेट करेंगे रिजल्ट लाएंगे कि भाई हाँ ऐसा ये डाटा है इसको ये रिलेट कर रहा है इसको वो कर रहा है अच्छे से उसको कंप्लीट कर देंगे ठीक है देन आप इसकी कोई भी एक डेफिनेशन लेना ये वाली इजी है क्रोशियन और कॉर्डन की ठीक है ये वाली इसकी जो है एक डेफिनेशन जरूर कर लेना ठीक है अब हम करेंगे इसका जो मेन टॉपिक है मतलब मेन टॉपिक सब जो बड़े नंबर्स में आएंगे अब हम इसको वो कवर करेंगे फर्स्ट फर्स्ट uh, है फीचर्स ऑफ फीचर्स एंड कैरेक्टर सिक्स ठीक है फीचर्स या फिर कैरेक्टर सिक्स तो आते ही आते हैं है ना तो क्या होते हैं ठीक है किसके सेट सिक्स के क्या होते हैं फर्स्ट है, है इसमें आप इसमें टोटल एट हैं अब सिक्स टू सेवन करना ओके okay? मैक्सिमम टू मैक्सिमम सिक्स इनफ है ठीक है नेक्स्ट है एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट तो कहते हैं जैसे मैंने बताया कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो एग्रीगेट्स uh, के साथ डील करती है मींस ग्रुप्स के साथ डील करती है ऐसे नहीं कि सिर्फ एक पर्सन के साथ डील करेगी जैसे कि पूरी क्लास में रवि का जो वेट है वो एटी है ऐसे ये कभी डील नहीं करेगी ये डील करेगी पूरी क्लास के साथ कि पूरी क्लास का जो एवरेज वेट कितना है ठीक है वो ऐसे करके पूरी क्लास का जो एवरेज वेट है वो एट्टी के है ठीक है ये अकेले का जो है वेट के साथ डील नहीं करती तो आप इसकी एग्जाम्पल्स जरूर लिखना ठीक है काफ़ी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स दी है ठीक है इसके पी डी भी मैं प्रोवाइड कर दूंगी कि अगर किसी को चाहिए होगी ठीक है तो ये जो है अकेली डील नहीं करते तो आप एग्जांपल ज़रूर लिख लेना जैसे मैंने आपको बताई है इजी की अगर हम डील कर रहे हैं कि एक क्लास में जैसे राम की एटी वेट एटी वेट है ठीक है जो मैंने मतलब आपको जो एग्ज़ाम्पल बताई है आपने यही लिख देनी है कि जब हम पूरी क्लास के साथ डील करेंगे कि हाँ पूरी क्लास का जो एवरेज वेट वेट है वो एटी है देन वी विल कॉल दिस की ये एटेसिक्स है ठीक है सेकेंड है न्यूमेरिकली एक्सप्रेस तो कहते हैं इसमें जो है पूरी हम क्वान्टिटेटिव डाटा जो है एक्सप्रेस करते हैं सेटेसिक्स में कोई किसी मतलब क्वाल, क्वालिटेटिव की कोई भी जगह नहीं है कि अगर हम कल को कहें कि हाँ राम और राम स्मॉल है शाम से राम बिग है शाम से राम रिच है राम शाम से तो ऐसा नहीं चलेगा कहते हम इसमें क्वालिटेटिव आस्पेक्ट्स नहीं देखते हम सिर्फ जो है इसमें क्वांटिटेटिव न्यूमेरिकल आस्पेक्ट्स देखते हैं कि अगर सचिन मतलब इरफान पठान जो है सिक्स फीट है एंड सचिन तेंदुलकर जो है वो फ़ाइव फ़ुट फोर इंच है तो इसका मतलब अब हमें पता लग रहा है कि इरफान पठान जो है वो हाँ बड़ा है हमें फ़ैक्ट्स मिल गए हैं तो बेसिकली डील्स ऑन फैक्ट्स ठीक है नूमेरिकली फैक्ट्स ठीक है तभी हम उसको

फुलेंस होगा हमारा जो सेटिसिक्स डाटा है कहते फॉर एग्जाम्पल अगर थर्टी परसेंट राइज हो रहा है प्राइजे पे तो काफ़ी सारी चीज़ों से वो एक जो थर्टी परसेंट राइज हो रहा है प्राइस में तो काफ़ी सारी चीज़ों से हो रहा होगा जैसे इन्फ्लेशन uh, से ठीक है पेट्रोल के प्राइस इंक्रीज़ होने से ठीक है शॉर्टेज ऑफ पावर से ठीक है डिमांड में इंक्रीज आ रहा है तो शॉर्टेज होगा तो कहते किसी एक वजह से नहीं होगा अगर मैं इसको निकाल भी दूँ कि शॉर्टेज ऑफ पावर से शायद प्राइस जो है हमारा uh, क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज़ हो रहा है राइज हो रहा है ठीक है तो अगर मैं इसको निकाल पीती तो हूँ कि छोटे छोटे पावर से नहीं बाकी सारी पावर से हो रहा है तो कोई इससे इफेक्ट हुआ नहीं हुआ क्योंकि ये काफ़ी सारी जो है आ, फैक्टर से जो है इन्फ्लुएंस होता है हमारा जो सेटिस डाटा होता है ठीक है फोर्थ है रीजनेबल एक्यूरेसी तो कहते हैं जब हमारा डाटा जो है पूरे फैक्ट से होता है कि भाई हाँ ये ये जो है इतने से 80 के जी वेट का है ये 40 के जी वेट 40 के जी वेट का है ठीक है ये शाम और राम तो हमें जो है एक स्पेसिफिक डाटा जो है मिल गया है ना तो हमने ये डाटा पूरा इन्वेस्टिगेशन से होगा ठीक है तो इसके लिए कहते हैं जो हमारी एक्यूरेसी है थोड़ी इंक्रीज हो जाती है कि हाँ हम इस पर डिपेंड हो सकते हैं क्योंकि हमें एक फिक्स्ड डाटा जो है वो मिल गया है ना फिफ्थ है म्यूचुअली रिलेटेड एंड कम्पेरेबल तो कहते हैं जो डाटा होता है ना सैटिसिक्स में वो सारे जो है एक दूसरे से रिलेटेड होता है और हम उसको कंपेयर करके जो है हमारा डाटा लिखते हैं ठीक है फॉर एक्जाम्पल उन्होंने बताया अभी देखो जो है मेन पॉइंट एक दो लाइन का है जो हमारा जो पॉइंट है वो किससे क्लियर हो रहा है वो एग्जाम्पल से क्लियर हो रहा है ना तो आप एग्जाम्पल्स जरूर लिख के आना पेपर में ठीक है तो एग्जाम्पल है जैसे कहते हैं जो राम है वो फोर्टी ईयर ओल्ड का है ठीक है और जो मोहन है वो फाइव फीट टोल है ठीक है अब सोहन का जो है सिक्सटी के जी वेट है ठीक है तो ये जो सारे हैं इसको हम स्टैटेसिक्स बोलते हैं ठीक है क्योंकि हमने इसमें सभी में जो है एक डेफिनेट जो है न्यूमेरिकल चीज़ें का यूज़ किया है ठीक है बट कहते हैं एज दे आर नॉट म्यूचुअल रिलेटेड क्योंकि ये सारे जो है म्यूचुअल रिलेटेड नहीं क्योंकि राम का हम ईयर देख रहे हैं ठीक है उसका हम हाइट देख रहे हैं उसका हम हम क्या देख रहे हैं? वेट देख रहे 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 हैं 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 वेट तो तो तीनों को हम अलग अलग चीज़ों में जो कंपेयर कर रहे हैं। तो ऐसे हो ही नहीं सकेगा कंपेयर तो कहते इसलिए डाटा ऐसा होना चाहिए जिसमें हम उसकी सारा चीजें जो है कंपेयर कर सकें और वो, वो म्यूचुअली रिलेटेड हो अगर हम तीनों के सिर्फ हाइट ही लेंगे ठीक है अगर हम तीनों की हाइट ही लेंगे तो हम कह रहे हैं कि हाँ ये डाटा जो है म्यूचुअली रिलेटेड है ठीक है हाउ एवर इफ द एज हाइट एंड वेट ऑल थ्री आर इंटरलेटेड ठीक है देन द सेम विल भी कंसिडर है जब ये तीनों चीज़ें हम सेम लेंगे ठीक है तभी जो है हमारा डाटा जो है एक स्टैटिक्स कहलाएगा वरना यह डाटा स्टैटिसिक्स नहीं कहलाएगा सिक्स पॉइंट है प्री डिटर्मिंट ऑब्जेक्टिव तो कहते हैं जो स्टैटिस्टिक्स हम कलेक्ट करते हैं कहते हैं उसके पीछे कोई ना कोई प्री डिटर्मिन पहले से कुछ ऑब्जेक्टिव होता ही होता है जिसकी वजह से हम जो अपना स्टैटेस्टिक्स है हम इंफॉर्मेशन कोई जाके कलेक्ट कर रहे हैं ठीक है तो कहते हैं अगर हमने कुछ विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव ठीक है कोई प्लानिंग किए बिना ही हम चले गए हमने सर्वे करना कोई डाटा कलेक्ट करना तो उसका जो कहते हैं वो एक सिंपल डाटा ही होगा उसका कोई वो स्टैटिस्टिक्स में नहीं आएगा स्टैटिस्टिक्स के पीछे कलेक्ट करने का को कोई एक मेन मोटिव एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है तभी जो है हम उसको कलेक्ट कर रहे हैं ठीक है तो कहते हैं वो अगर उसमें कोई भी आपका एम या ऑब्जेक्टिव नहीं है तो जस्ट ये न्यूमेरिकल वैल्यू होंगी इसका जो मेन स्टैटिस्टिक्स जो हम बोल रहे हैं वो स्टैटिस्टिक्स नहीं होगा ठीक है पॉइंट है इन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड ठीक है? कहते हैं कि ये दोनों जो हैं काफ़ी वेरियस मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्टैटिस्टिक्स डाटा को कलेक्ट करने में या प्रेजेंट करने में ठीक है तो क्या होता कहते हैं जब फॉर एग्जाम्पल अब एस्टिमेटेड स्टैटिस् डाटा हम कैसे बनाते हैं ठीक है अगर तो कहते जैसे कोई रैली हो रही है सर फॉर एग्जाम्पल अब मोदी जी ने कोई रैली की रैली में अब इतने ज़्यादा लोग होंगे तो हम अपने स्टैटिस्टिक्स में लिख

एस्टिमेशन ऑफ एस्टिमेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा ठीक है जिससे हमें क्या क्या हम बोलते हैं कि हाँ हमने जो है एस्टिमेशन के जरिए जो है अपने स्टैटिस्टिक्स जो है बनाया है ऑन द अदर हैंड इनोमरेटेड में होता है कि हमने एक एक बच्चे को जाकर जो गिनना ठीक है कि गिनकर जो है ये चीज़ हमने अपना डाटा बनाया है ठीक है अब कहते हैं कि इसका एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि कैसे ट्वेंटी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास कि हाँ ट्वेंटी स्टूडेंट्स हैं तो इस मतलब हम ये गिन सकते हैं इतनी तो इसलिए हमने ट्वेंटी स्टूडेंट्स जो कि उनको गिनकर लिखा है ना टेन वर्कर्स इन द वर्किंग फैक्ट्री ठीक है तो ये जो है गिन सके हम गिन सकते जिनको हम तो उसके अकॉर्डिंग असिस्टमेटिक मैनर में जो कलेक्ट होता है जैसे, ऐसे नहीं कि बीच में ही हमने वेट वाले लोग लगाए हुए बीच ही में ही हमने वाले लोग लगाए नहीं सभी का जो अलग अलग जो है फील्ड होगी अलग अलग जो है रो एंड कॉलम होगी या अलग अलग जो है अलग अलग जो है रो और कॉलम में जो है वो डिफाइंड होंगे ठीक है अलग अलग उनका लिए डाटा होगा कि इस ये नहीं होगा कि सभी जो है एक ही फील्ड में हमने लगाए हुए हैं तो अगर हमने एक मतलब इन, मतलब इन इना रश मैनर में हमने जो है ये डाटा जो है हम ना अपना कलेक्ट नहीं करते जो साइड होता है पूरे टेबल फॉर्म में होता है ठीक है अलग 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 रो एंड कॉलम्स में होगा ठीक है उसका अलग होगा डाटा वेट्स के लिए अलग होगा ठीक है रोल नंबर्स के लिए अलग होगा और वेजेस के लिए या फिर उनकी कितनी वेजेस है उनका कितना वेट है सभी के लिए अलग अलग डाटा होगा तो इसे हम बोलते हैं ये एक सिस्टमेटिक वे में है हमें हमें पता होगा हमने किसी का वेट देखना हो तो हमने सीधा जाके वेट वाला कॉलम देखना हमें हाँ इसका इतना वेट है और नाम नाम अलग कॉलम में होगा वेट अलग कॉलम में होगा तो हमें पता लग गया हाँ राम है उसका एग्जैक्ट इतना वेट है अगर बीच में हमने सारा कुछ डाला होगा तो हमें डिफिकल्ट हो जाएगा मतलब उसका वेट पता करना है ना तो उसे इसके लिए हम हमें क्या होता है कंक्लूजन हमने एंड में अगर निकालना होगा कि भी हाँ कितने वेट्स हैं कितने मतलब मेजोरिटी के वेट्स हैं तो हमारे लिए कंक्लूजन निकालना ईजी हो सकता है ठीक है तो इन अ शॉर्ट उन्होंने कंक्लूजन कंक्लूजन जरूर लिखना है ठीक है बच्चों अगर आप चाहते हैं आपको फुल मार्क्स मिले तो आपने कंक्लूजन जरूर लिखना है लास्ट में तो इन उन्होंने भी लिखा इन अ शॉर्ट दस वी मे कंक्लूड दैट ऑल न्यूमेरिकल डाटा कैन नॉट बी स्टेटिसिक्स मतलब हर एक जो हमें न्यूमेरिकल डाटा हमारे पास है कि सभी की वेट वगैरह वे लिखा हुआ है तो ये सारा डाटा जो है कहते हैं स्टेटेसिक्स नहीं हो सकता बट जितना भी स्टेटसिक्स है उसको हम न्यूमेरिकल डाटा बोल सकते हैं ठीक है थीका? वो एक तरह का न्यूमेरिकल डाटा होगा ठीक है सो दैट्स इट फॉर टू वीडियो आपको आई होप ये आपको समझ लगा होगा ठीक है नेक्स्ट वीडियो में अब हम कवर करेंगे इसके रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स ठीक तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो दैन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल सो थैंक्स फॉर वॉचिंग